ये बताइए आप लोग इतनी लंबी लाइन क्यों लगाए हुए हैं दर्शन के लिए? लेकिन हमने तो सुना है कि मंदिर तो अभी बंद है, ओपन तो है नहीं। हम लोग जब तक खड़े रहेंगे। आज अयोध्या ये देखो भोजन खा रहे हैं प्रभु राम के नाम का, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता। बाहर से आए तीर्थयात्रियों के लिए भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था। थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में, अयोध्या नगरी के एक नए व्लॉग में। सो दोस्तों, अब ना हम बढ़ रहे हैं राम जन्मभूमि की तरफ। जी हाँ, तो अभी हमें एंट्री होगी कि नहीं ये तो हमें नहीं पता है कि हमें एंट्री मिल पाएगी। बाकी जहाँ तक हमने सुना है कि एंट्री वगैरह राम जन्मभूमि में अब बंद कर दी गई है, तो कोई बात नहीं, हम बाहर से जितना व्यू आपको दे पाएंगे उतना हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपना जी जान लगा देंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर थोड़ा सा ना हम यहाँ का एक प्यारा सा व्यू आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना कि जो काम है ना एकदम प्रोग्रेस पे है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ना यहाँ पे काम जो है वो किया जा रहा है। और जो आप देख सकते हो काफ़ी सारे वर्कर यहाँ पे लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो सारे कार्य को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को ना यहाँ का उद्घाटन है, उसके पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, इसी वजह से सारी चीज़ें कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये यहाँ का प्यारा सा नज़ारा है, और यहाँ पे दिया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग। तो इस मार्ग को फॉलो करते हुए चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो काम है ना वो एकदम जोरों शोरों पे चल रहा है, जो कि आप देख ही सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और जस्ट इसके पीछे आप देखोगे ना राम जन्मभूमि, जिसका निर्माण भी एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। बाकी ये भी उसी का हिस्सा है, उसी राम जन्मभूमि परिसर ही है। तो ये सारे काम जो है ना बहुत ही तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं, और यहाँ पे ना मतलब आपको शोर शराबा ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे काम ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसीलिए आप ना इस चीज़ों पे फोकस मत करिएगा जो भी शोर शराबा है, तो बाकी आप फोकस करिए कि हम क्या चीज़ आपको दिखा रहे हैं, उस पर फोकस करिए। तो फ्रेंड्स, इधर काम आप देख सकते हो ना जारी चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से। और ये आप जो पीछे देख रहे हो ना, ये हम राम जन्मभूमि परिसर में ही खड़े हुए हैं, और पीछे आप देखोगे ना राम जन्मभूमि का जो निर्माण चल रहा है ना वो एकदम जारी है। तो इसके अंदर मतलब हमें एंट्री नहीं मिलने वाली है। बाकी ये अमावा राम मंदिर भी इधर आप देख सकते हो ये है, और थोड़ा सा हम आपको एक व्यू पूरा दिखा देते हैं घुमा करके। ये राम रसोई है। तो यहाँ से ना हम अंदर नहीं जा सकते हैं जो राम जन्मभूमि है, क्योंकि वो अलाव ही नहीं है, किसी को भी जाना अलाव नहीं है। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कभी आएंगे तो बिल्कुल हम आपको दर्शन भी करवाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, राम रसोई हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना आप थके हारे अगर आते हो ना तो यहाँ पे आपको निःशुल्क में भोजन वितरण किया जाता है। और यहाँ पे आप आ करके ना आपको कूपन लेना होता है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ से आप कूपन लीजिए और निःशुल्क आपको भोजन यहाँ पे वितरण किया जाएगा। चलिए बैक कैमरे के साथ मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा यहाँ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ना यहाँ से भोजन फ्री में मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में ना आपको कूपन लेना पड़ेगा। एड्रेस मोबाइल नंबर लिख कर लाओ। कितने आदमी हैं? कितने आदमी हो? नाम एड्रेस मोबाइल नंबर लेकर आओ, पेन टेबल पर है, निशुल्क है। सर आज थोड़ा सा सर हमें जानना है कि यहाँ पे निशुल्क भोजन वितरण हो रहा है, तो इसकी मतलब क्या, हमें इसके लिए क्या करना होगा? जैसे कि कूपन वगैरह यहाँ पे लिख रखा है, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा? कूपन में सब नाम एड्रेस मोबाइल नंबर भर कर लाना होगा, मोहर लगेगी। अच्छा अच्छा, तब पर्ची के माध्यम से मंदिर में एंट्री होगी। तो कितने लोग मतलब आ सकते हैं एक साथ में भोजन के लिए? एक साथ में एक पर्ची में 20 लोग तक एंट्री हो जाता है। 20 लोग का हो जाता है एक पर्ची में, मतलब कितने भी लोग आए बस एक पे 20 लोग का होगा, दो कूपन ले लो 40 लोग। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। और क्या इसका कुछ चार्ज नहीं है ना? नहीं, निःशुल्क है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर द्वारा बाहर से आए तीर्थयात्रियों के लिए भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था। वाह, थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जी जी हाँ, तो इसके लिए आपने दर्शन के लिए आए थे, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था भोजन प्रसाद। ओके सर, थैंक यू।
अभी दोस्तों हम आ चुके हैं ना अमावा राम मंदिर के अंदर, जहाँ पे ना निःशुल्क में जो आपको कूपन मिलता है ना, यहाँ पे आना होगा और यहीं पे ना आपको भोजन वितरण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना भोजन करते हुए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और लोगों की संतुष्टि क्या है, वो सारी चीज़ ना हम चलिए पूछते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से यहाँ के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं ना यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हैं ना, जिसको जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पे आ करके जिसको भोजन, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो होता है ना कि वो भोजन कहाँ पे करे, कुछ चीज़ें होती है वो समझ नहीं आती। तो यहाँ पे आप बिल्कुल, अगर आप अयोध्या आते हैं ना, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आइए, राम रसोई से कूपन बनवाइए और यहाँ पे आइए राम अमावा मंदिर में आइए और यहाँ से आप आ करके ना निःशुल्क में भोजन करिए। और काफ़ी आप यहाँ पे देखेंगे ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भोजन करते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम ना जानते हैं, इन लोगों से कुछ पूछते हैं। अभी आप देख सकते हैं ना, काफ़ी सारी वैरायटी भी खाने में मिल रही है और यहाँ पे एक हमें भैया जी मिल चुके हैं, तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया थोड़ा सा ना आप हमें बताइए यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो आप खा भी चुके हैं और कुछ चीज़ें आपके प्लेट में दिख रही है। यहाँ पर तो हम लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और बाकी भी लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं। भोजन काफ़ी अच्छा है, 24 घंटे चलता है, पर डे भोजन यहाँ पर आप आपको मिलता है। कभी भी आप आओ, है ना, अभी भी आप आइए, आपको यहाँ भोजन मिलेगा। अच्छा अच्छा, और क्या आप भोजन से संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, अच्छा भोजन है, शायद इतना अच्छा हम घर पे भी नहीं बना पाएंगे। नहीं, घर पे भी नहीं बन पाएगा, हम लोग खुद रहते हैं, रूम करने के हमसे नहीं बनता इतना। लेकिन एक चीज आप मानेंगे, अगर मंदिर या फिर किसी आप मतलब भंडारे में जाते, वहाँ का खाना कैसा भी बनाओ, लगता है वहाँ के खाने की बात ही कुछ अलग है। और ये भैया जी भी कुछ कहना चाहते हैं हमें लगता है। आई होप आपकी आवाज़ हमारे यहाँ तक पहुँच आई हो। ओके, अभी फ्रेंड्स हमें एक मैम भी मिल चुके हैं, थोड़ा सा उनकी हम विचारधारा जानने की कोशिश करते हैं। मैम कहाँ से आप आई हैं? जी मैम प्रतापगढ़ से आए हैं, कुंडा से। जी बहुत, तो अयोध्या घूम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, आपकी खुशी बता रही है चेहरे की मुस्कुराहट। मैंने यहाँ का जो प्रसाद मिल रहा है इसे खा के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो और थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहेंगे, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, इतने सालों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी लोगों का कहना है कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे इस पे वेस्ट किए गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिनों की अरमान पूरे हुए। आप सहमत है ना? जी जी, फुल सहमति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फुल सहमति। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देखिए, छोटे बड़े बुजुर्ग हर टाइप के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सारे लोग आपको खाते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए हम इनके काम में बाधा ना डालते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। मैम कहाँ से आप आई हैं? हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से? जी। अयोध्या राम मंदिर घूमने के लिए? जी। तो ये हमारा बहुत पुराना सपना था और इस सपने को आज जो साकार हुआ है तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी और योगी जी का, क्योंकि इस सपने को पूरा करने में हमारा भी हाथ था। जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके आए थे तो मैं स्वयं अडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में थी। अरे वाह। मैं स्वयं आई थी, जब यहाँ दो भाई मारे गए थे हम स्वयं वहीं पे थे, है ना। लेकिन हम प्रभु राम का शुक्राना करते हैं जिन्होंने इस हमें यहाँ बुलाया अपनी जन्मभूमि में। हम धन्य हैं, हम लोग जो उत्तराखंड, वैसे तो हम लोग उत्तराखंड के देवभूमि के लोग हैं, हम जब कहीं भी जाते हैं लोग हमको छूते हैं कि आप उत्तराखंड के हो, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हम आज अयोध्या, ये देखो भोजन खा रहे हैं प्रभु राम के नाम का, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता है ना। और बाकी हम कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, अयोध्या नगरी जिंदाबाद। तो आपने घूम लिया अयोध्या पूरा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सी जगह पे आप बताना चाहेंगे कि लोग अगर आते हैं तो घूमना चाहिए? सबसे पहले अयोध्या आइए, उसको तो घट घट में है सबके, उससे बड़ा धाम तो कोई धाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, राम के बराबर धाम कोई बड़ा धाम। उसके बाद हम चाहेंगे काशी जाइए, अयोध्या जाइए, आप उधर जाइए, क्या कहते हैं उसके लिए, हम कर सकते हैं। हाँ, कनक
कल हमने सरयू में नहाया है। अच्छा, अच्छा। सबने कहा पहले नहीं, नहीं, लेकिन जब उस पवित्र जल में हम नहाए तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन देवभूमि उत्तराखंड की, तो जय है ही है लेकिन अयोध्या नगरी की सबसे पहले जय, और जय श्री राम, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मोदी जी की, जय योगी जी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर लक्ष्मण जी का मंदिर है जहाँ सीता माता धरती में गई थी ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ वाल्मीकि जी का मंदिर है और वहाँ ये अभी मंदिर बनना है, वहाँ 1 करोड़ का खर्चा देता है मोदी जी ने, वहाँ बहुत भव्य मंदिर बनेगा। बहुत खुश लग रही है मैम आप। तो आप श्रद्धालुओं की खुशी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने मतलब सारे लोग खुश हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हमारे राम जी फाइनली अयोध्या में आने वाले हैं ना, मतलब जो वनवास था वो खत्म होगा। हाँ जी, सबको खुशी है जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आज हम को यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आज हम लोग अयोध्या धाम पधारे हैं और श्री प्रभु राम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी जन्मभूमि देखी है, जो एक हमारा बहुत पुराना सपना था वो आज साकार हुआ है, और आज हम यहाँ पर प्रसाद भी राम जी की रसोई का खा रहे हैं जी, जी। और इतना अच्छा, मतलब आज हमारी सनातन धर्म की जीत हुई गई जी। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या नगरी आए हैं और मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हाँ ओके मैम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, इतने दूर दूर से लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ना आए हुए हैं घूमने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पे ना निःशुल्क मतलब प्रसाद भी यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा भी मतलब नसीब है कि हम यहाँ पे आए और हमें भी ना यहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए फिर हम भी देखते हैं, थोड़ी सा वेट करते हैं और प्रसाद वगैरह हम भी यहाँ का लेते हैं और भोजन करते हैं यहाँ पे। हमें भी ना बहुत जोरों की भूख लगी थी और हम सोचे चलो, और सुबह से निकले हुए हैं, 5 ही बजे के 4 बजे उठ गए थे, तो यहाँ का प्रसाद हम भी ग्रहण कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और काफी सारी चीजें खा चुके हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें बची है, तो बहुत अच्छी मतलब टेस्ट जो है ना बहुत गजब का है, ये तो मानना पड़ेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत भूख भी लगी थी, तो यहाँ का प्रसाद भी हो गया और हमारा पेट पूजा भी हो गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी हम भोजन वोजन कर चुके हैं और आत्मा को ना बड़ी संतुष्टि मिल गई भोजन करने के बाद, क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी थी और हमने थोड़ा सा अपना फोन भी चार्ज कर लिया है, तो चलिए अब थोड़ा सा ना और व्यू आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं ना ऊपर, यानी कि जो अमावा राम मंदिर है ना इसके ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे भोजन वगैरह होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे भोजन चल रहा है और हम अभी ऊपर आए हुए हैं, तो ऊपर से ना हम आपको दृश्य प्यारा से दिखाने वाले हैं। और राम मंदिर जो है ना वो अभी भी उसका जो निर्माण हो रहा है अभी भी वो जारी है, तो वो सारी चीजें हम बैक कैमरे के साथ आपको दिखाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल देखिए और बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, तो 22 तारीख को आप जरूर आना। सब यहाँ से आप देखोगे ना ये सब आपको जो कार्य है ना ये प्रगति पे चल रहा है हमारे राम जन्मभूमि का, तो अंदर तो फिलहाल हम जा नहीं सकते, इसलिए हम बाहर बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा सा राम मंदिर, और इधर आप देख सकते हैं काफी सारी पब्लिक भी आई हुई है, बाकी हम ये छत पे घूम रहे हैं और छत पे भी आपको काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे, ये आप देखिए, तो है ना ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नजारा। निःशुल्क भोजन के साथ साथ ना निःशुल्क लॉकर की भी आपको सेवा दी जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रद्धालु लोग ना बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, मतलब असली जो पब्लिक आती है ना वो शाम को आती है, और राम जन्मभूमि देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना लाइन लगी हुई है, जबकि सबको पता है कि राम जन्मभूमि में कोई एंट्री नहीं किसी को मिल रही है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि लाइन लगी हुई है एक तरफ से, और अब ये लाइन किस लिए लगी है वो चलिए हम भी देखते हैं। ये बताइए आप लोग इतनी लंबी लाइन क्यों लगाए हुए हैं दर्शन के लिए? लेकिन हमने तो सुना है कि मंदिर तो अभी बंद है, ओपन तो है नहीं, अभी हम लोग जब तक खुलेगा तब तक खड़े रहेंगे। लेकिन आज तो नहीं ना खुलेगा? आज खुलेगा पक्की बात, तो एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हां जोश।
तो यहाँ पे आप देखिए लाइन, भक्तों की लाइन लगी हुई है और भक्तों में जोश ना आपको बरकरार देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, मतलब अभी आप देख सकते हो ना कि भक्तों के अंदर इतना उत्साह है, इतनी श्रद्धा है और इतने श्रद्धालु यहाँ पे इतने भक्तगण उम्र के आ चुके हैं ना कि कहने वाली बात ही नहीं थी, वो तो आपने वीडियो में देखा ही। और कहने की बात ये है कि अभी इतनी ज्यादा भीड़ है, अभी इतना ज्यादा उत्साह है, तो 22 जनवरी और उसके बाद क्या होने वाला है वो आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि 22 जनवरी वाले दिन ना यहाँ पे आपको, मतलब ये है कि अगर आप आना चाहते हो बिल्कुल आप आइए, पास वगैरह के थ्रू जैसे भी हो परमिशन लेकर के आइए, यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा लगने वाला है आपको। और इतने साल से जो सब लोगों का इंतजार था ना, वो फाइनली इंतजार खत्म होने वाला है, तो लोगों में उत्साह ना एकदम बना हुआ है। और चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, और यहाँ का हमने एक प्यारा सा व्यू भी दिखा दिया और सब कुछ दिखा दिया, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।